टुडे इज योर क्लैट मॉक टेस्ट, यू नो, ओपन मॉक टेस्ट. तो कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा सा घबराहट भी हो रही है. हाँ, क्या होता है एग्जाम में. अच्छा, लेट्स सी. ठीक है, सो यू लुकिंग ऑल एंड व्हाट्स योर, कैसा फील हो रहा है इस समय एग्जाम के लिए? एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि पहली बार दे रहे एग्जाम. हाँ, तो एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा नर्वसनेस भी. कैसा पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा. तो तैयारी कैसे करिए, तैयारी करिए कुछ, मतलब की तैयारी करिए, अच्छी करिए. लेट्स सी मॉक में क्या होता है. लाइक मॉक क्या होता है. यस, बेस्ट ऑफ लक. यू टेक योर सीट्स एंड वी विल राइट बैक टू यू. थैंक यू. हाय, व्हाट्स योर नेम? It's Kanak Mahato. Sorry? Kanak. Kanak. So how was your exam, Kanak? It was good at first mock. Okay, first mock. Yeah. So how well were you prepared? I was like 70%. 70%. So was this mock helpful enough? Yeah. Do you think this was a good strategy? Yeah, it was. All right. All the best. Okay, what's your name? Mansi. Mansi. All right, Mansi, how good this mock you think can help you in appearing for CLAT 2024? I think 80%. 80%. हाँ जी. ट्रिप्स पता चल गई कैसा पेपर पैटर्न आता है. हाँ जी. सो यू थिंक इट वॉज हेल्पफुल इनफ. यस, इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. ऑल राइट. हाँ जी. यू वेल प्रिपेयर फॉर CLAT? यस. ऑल राइट, ऑल द बेस्ट. Hi, what's your name? Prachi. Okay, Prachi, you appeared for the All India mock today, right? How helpful was the mock for you in appearing CLAT 2024 as an aspirant? मैम, इसमें ये है कि हम टाइम मैनेजमेंट हमारा जो पहले से जो हमने प्लान किया था वो हम इसमें अप्लाई करके देख सकते हैं. और मेनली यही है, टाइम मैनेजमेंट और किस हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट करते हैं, कौन सा पोर्शन पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, उस सब में हेल्प. ओके, तो क्या साइकोलॉजी रही तुम्हारी ऑल दोज टू आवर्स जब तुम पेपर अपीयर कर रही थी, तो व्हाट वाज ऑल गोइंग थ्रू योर माइंड? मैम, मेनली टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट. यस मैम. तुमने नहीं सोचा कितना नेगेटिव मार्किंग होगा, आप इसको करना है? नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, क्योंकि अगर हमें कोई डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में, उसको हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि उसे छोड़ ही दो. अगर नेगेटिव मार्किंग है जिसके लिए तुम मतलब पूरा डेफिनेटली श्योर हो, वही तुम्हें करना चाहिए. कौन सा सेक्शन यू थिंक वॉज द बेस्ट? तुम्हारा फोर्टे क्या है? लीगल एंड इंग्लिश अच्छा था. यस मैम. डिफिकल्टी लॉजिकल इज आल्सो ओके, ओनली मॉडरेट, नॉट सो हाई, नॉट सो लो. ओके, सो यू वर वेल प्रिपेयर्ड आई थिंक. ऑल राइट, ऑल द बेस्ट प्राची. थैंक यू.